और चलिए बड़ी खबर आपको बता दी, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली से उत्तरकाशी पहुंची है जियो फिजिकल की सर्वे टीम, अन्य विकल्प तलाशने के लिए ये दल पहुंचा हुआ है। वैज्ञानिकों का दल अन्य विकल्पों की भी तलाश करेगा। अभी रोका गया है टनल की खुदाई का काम। दूसरी तरफ जियो फिजिकल की सर्वे टीम भी उत्तरकाशी पहुंची है, जहां पर अन्य विकल्पों को भी तलाशे जाएंगे, ताकि जल्द से जल्द अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल जो ड्रिल का कार्य था वो किन्हीं कारणों की वजह से रोका गया है, क्योंकि कई सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। अजीत राठी इस वक्त लगातार उत्तरकाशी में मौजूद है और वहां से एक पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। अजीत, अब अन्य विकल्पों की भी तलाश की जाएगी, जियो फिजिकल की टीम उत्तरकाशी पहुंची हुई है, क्या ड्रिल के जरिए वो काम नहीं हो पाएगा, रेस्क्यू नहीं हो पाएगा? नहीं देखिए, अभी ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि रात भी मशीनों ने पूरा काम किया। अब 24 मीटर तक के पाइप अंदर डाल दिए गए, खुदाई हुई है, लेकिन पहले से ये भी बात बहुत स्पष्ट अधिकारियों की तरफ से की जा रही थी कि यदि कोई लोहा या कोई हैवी मशीन अगर ड्रिल के सामने आती है तो कोई हर्डल पैदा हो सकती है। रात में कुछ दिक्कतें हुई थी, वो सोल्व कर लिया गया। अब जो है फिर से कोई ऐसी चीज सामने है, तो जितने भी पता लगे हैं उन्हीं के एक्सपर्ट को अंदर जगह है, वो देख जानने की कोशिश कर रहे हैं ये मशीन है या कोई किसी दूसरे तरह की धातु है। और अभी क्योंकि उसका मामला नहीं आया, तो क्योंकि बार बार ऐसी हर्डल आना तो इसमें विलंब हो सकता है, तो जियो फिजिकल की टीम भी दिल्ली से यहाँ पर पहुंच गई है, वो भी अपना मुआयना कर रही है, सर्वे कर रही है यहाँ पर वो, और अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। यदि इस तरह की हर्डल आती रही है, मान लिया कोई मशीन ही अंदर आ गई, तो मशीन को मलबे के नीचे से रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होगा, और उस समय ये जो मशीन अगर मशीन चल रही है इसकी डायरेक्शन को बदलना भी नामुमकिन होगा। तो इसीलिए तमाम पहलुओं पर, तमाम विकल्पों पर विचार हो रहा है। जियो फिजिकल की टीम सर्वे कर रही है और अभी लेकिन काम रुका हुआ है, कितनी देर में काम शुरू होगा ये कहा नहीं जा सकता, और ये जानकारी विकसित रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि काम अभी बंद हुआ है, काम अभी बंद ना होता तो अगली जो अपडेट थी, जैसे पहले भी अपडेट दे रहे थे 6 मीटर पाइप 12 मीटर डाल दिया गया, तो अगली अपडेट नहीं आ रही है, तो इस वजह से भी इस आशंका को बल मिल रहा है, संभावना को बल मिल रहा है कि अभी काम रुका हुआ है, और वो कब तक रुका रहेगा तो इसको अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। अजीत, जो मजदूर अंदर फंसे हुए, क्या उनसे कोई संपर्क हो पाया, बातचीत हो पाई है, सभी स्वस्थ हैं? देखिये, झारखंड और उड़ीसा के अफसरों की टीम यहाँ आई हुई है, कल वे अपने लोगों से वो पाइपों के जरिए बात कर रही है, जिस तरह से भी जो भी इस समय एक माध्यम बना हुआ है बातचीत करने का, और इसके बाद वो आज भी झारखंड के अधिकारियों ने अपने लोगों से बातचीत की। 15 लोग झारखंड के अंदर फंसे हुए हैं, तो बातचीत सबसे हो रही है, मेडिसिन जा रही है, खाने का सामान जा रहा है और ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन चूंकि आज 6वां दिन है तो उनकी मनोस्थिति क्या होगी अंदर ये कहना बहुत मुश्किल है। और जो लोग फंसे हुए हैं, जब तक वो बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट ये ना हो जाए कि अब उनके जो मतलब वहां से उस अंधी सुरंग की जो कैद है उसकी वहां से रिहाई सुनिश्चित हो गई है, तो तब तक कहना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी जो जद्दोजहद और कसमकस है उसी दौर से ये पूरा ऑपरेशन गुजर रहा है। ठीक है जीत, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जियो फिजिकल की टीम पहुंची हुई है, अन्य विकल्पों की तलाश भी की जा रही है, क्योंकि अभी जो ड्रिल का काम है वो रोका गया है। मजदूरों से भी लगातार बात की जा रही है, उन्हें दवा खाना पानी सब पहुंचाया जा रहा है, लेकिन चूंकि 110 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, करीबन 3 से 4 दिन का वक्त हो गया है, 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है, जल्द से जल्द निकालने के लिए कई अन्य विकल्पों की भी तलाश शुरू कर दी गई है।